हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस सॉरी, बहुत दिनों से कुछ वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि थोड़ा बिजी था और कोई टॉपिक्स भी नहीं थे। पर आज का वीडियो जो है वो बहुत ही शॉर्ट होगा और मतलब फटाफट मैं आपको बता दूंगा इसमें टॉपिक क्या है मेरा। और आज का वीडियो का जो टॉपिक जो है वो मतलब न्यू जो अपडेट आने वाला है उसके ऊपर है। तो गाइस बेसिकली जो न्यू अपडेट आ रहा है उसमें थोड़े जो भी नए फीचर्स आ रहे हैं उसमें से मुझे थोड़े फीचर्स पता चले हैं, तो मैंने सोचा आपको भी उसमें से बता दूँ वो फीचर्स है क्या। तो गाइस पहला जो बेसिकली फीचर जो आया है वो है कि आप मैक्स, पता होगा आपको हमारे जो मैक्स है वो अभी का अगर आपने देखे होंगे तो एक्सटेंडेड मैग है, क्विक ड्रॉ मैग है और एक एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइज एक और एक नया मैग आ रहा है, वो बेसिकली होगा जोम्बी मोड के लिए, उसका नाम है जंगल एक्सटेंडेड मैग। तो उसमें बेसिकली होगा कि आपके अगर आप अभी देखोगे तो आप नॉर्मल मैग जो है उसका अटैच करते हो तो वो 40 तक जाता है, लेकिन अगर आप वो मैग अटैच करोगे ना तो आपका जो कैपेसिटी है वो 60 तक जाएगा। ये बेसिकली जोम्बी मोड में, क्योंकि जोम्बीज बहुत बार कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो हमें बहुत डैमेज दे देते हैं, इसलिए उनको थोड़ा कोप अप करने के लिए उन्होंने ये जंगल एक्सटेंडेड मैग डाला है। ये बेसिकली उसी जोम्बी मोड में ही होगा, ये नॉर्मल क्लासिक मोड में तो नहीं दिखेगा पर जोम्बी मोड में ये श्योरली आ रहा है। और फिर गाइस जो सेकंड जो फीचर आया है वो है रेड डॉट का। गाइस अगर आपने देखा हो तो हमारा रेड डॉट जो अभी है, हम स्कोप करते हैं तो सिर्फ एक डॉट दिखता है रेड डॉट में, पर अभी जो रेड डॉट का नया एक फीचर आ रहा है वो है हम उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। मतलब आप चाहिए तो अगर आप देखोगे तो रेड डॉट का कलर ग्रीन आता है या रेड आता है जो भी हो, तो अगर आपको चाहिए तो आप उसका कलर येल्लो ब्लू जो भी जैसा भी आपको चाहिए वो कर सकते हो। फिर आप जब ऑन करते हो स्कोप ऐसा रेड डॉट में तो सिर्फ एक रेड डॉट दिखता है। तो अगर अभी आप चाहो तो मतलब अपडेट के बाद आप उसको एडिट भी कर पाओगे, आप उसको ऐसा हाफ ट्राइंगल रख सकते हो या एक वैसी डॉट रख सकते हो या ऐसा क्रॉस हेयर जैसा रख सकते हो, बहुत सारे उसमें मतलब ऑप्शंस है, आप उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेकंड जो अपडेट था ये रेड डॉट के बारे में था। फिर गाइस थर्ड जो आया है वो है वॉइस चैट के बारे में। तो गाइस अगर आपने देखा हो तो ये जो हमारे जो वॉइस चैट होते हैं ये देखो, ये सब ये जो है ये अभी के लिए डिफॉल्ट वॉइस है जो हमें बीच में अभी जो अपडेट आया था उसमें मिले थे। तो ये एक फीमेल वॉइस के जैसा है, मतलब बच्चे जैसा, और उसके पहले जो था वो उसको अभी उन्होंने डाला है और उसका नाम दिया है क्लासिक वॉइस, ठीक है। तो गाइस अभी जो अपडेट आ रहा है उसमें जो हमें वॉइस चैट मिल रही है वो मेल वॉइस की होगी, मतलब ये सब जो एनिमीज है ये सब कोई मेल बोलेगा तो वो एक वॉइस चैट होगा। तो हमें टोटल अभी तीन टाइप के वॉइस चैट मिल जाएंगे जो डिफॉल्ट ये ऐसे ऑलरेडी टाइप्ड होते हैं, तो उसमें थर्ड टाइप का एक वॉइस चैट आ रहा है वो मेल वॉइस चैट है। और गाइस फोर्थ फीचर जो है वो है स्पेक्टेटर मोड का। तो अगर आपने देखा होगा, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बोला था कि स्पेक्टेट मोड का आने वाला है। एक तो था डेथ कैम का, मतलब हमें थोड़ा पता चलता है कि हमें एनिमी ने कैसे मतलब कहाँ से आके कैसे मारा, हमें हमारे मरने के 15-20 सेकंड पहले का एनिमी का पूरा मूवमेंट दिखाते हैं। तो गाइज उसका तो श्योर नहीं है, पर जो ये स्पेक्टेड मोड की मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली है फ्रेंड्स का। तो ये बहुत पहले उन्होंने बोला था लेकिन उन्होंने लाया नहीं था, पर इस अपडेट में वो आने वाला है। तो गाइज इसका बेसिकली मतलब क्या है, जब आप समझो हम में से बहुत लोग होते हैं जो मतलब लिमिटेड लोगों के साथ ही खेलते हैं, तो वो रुकते हैं कि अगर गेम में जाए और उनका फ्रेंड ऑनलाइन हो और वो कोई मैच में हो तो उसको कितना टाइम लगेगा या वो क्या कर रहा है। तो गाइज अभी उन्होंने जो फीचर दिया इसमें होगा क्या, आप ऑनलाइन जाओगे और अगर आपका फ्रेंड कोई ऑनलाइन है और वो कोई गेम में है तो आप उसको स्पेक्टेट कर सकते हो, आप उसके गेम में नहीं होगे तो भी आप उसको स्पेक्टेट कर पाओगे और उसको देख सकते हो, मतलब वो क्या कर रहा है, कितना कितना मिनट का गेम हुआ है, कितना बाकी है या कुछ भी हो, तो आप उसके उस हिसाब से अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो या कुछ काम कर सकते हो जितने टाइम में वो वापस आ जाए। तो लेकिन गाइस इस स्पेक्टेटर मोड का एक जो प्रॉब्लम है वो है कि आपका फ्रेंड जो है उसके पास एक ऑप्शन रहता है सेटिंग्स में कि वो ऐसा ऑफ कर सकता है स्पेक्टेटर मोड। तो अगर उसने वो एनेबल डिजेबल जो भी है ऑफ ऑन अगर उसने ऑफ कर दिया तो आप उसको स्पेक्टेट नहीं कर पाओगे। तो ये एक सेटिंग है जो पबजी वालों ने मतलब मोड तो दे दिया है, पर उन्होंने जिसको भी स्पेक्टेट कर रहे हैं उसको एक चॉइस भी दिया है कि उसको अगर ना दिखाना हो तो वो ना भी दिखा सकता है, ठीक है। तो गाइस यही चार फीचर थे जिसका मुझे श्योरली कंफर्म है कि ये अपडेट में आने वाले हैं, तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं। तो गाइस बस यही एक शॉर्ट वीडियो था, अगर मुझे और कोई न्यू फीचर्स के बारे में पता चला तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो समझ गया होगा। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।